अब मैं हो गई रेडी पेड़ में जाने के लिए। सुनो अच्छा मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सुबह के 6:15 बजे हैं और मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मैं जा रही हूँ, आज घर में मेहमान आने वाले हैं तो मैं काफल तोड़ने जा रही हूँ। और मेहमानों की स्पेशल डिमांड आ रखी है कि हमारे लिए काफल तोड़ के रखना, इसीलिए सुबह सुबह जाना पड़ रहा है बिना नहाए धोए। उठी मैं, हाथ मत मिलो है, मैंने आगे मैंने कहा मम्मी आती हूँ मैं आधे घंटे में, थोड़ा सा काफल तोड़ के ले आती हूँ, तो उसके बाद जाएंगे हम, तैयार होंगे, सारी तैयारी करेंगे। काफल भी हो रह गए नहीं रह गए पता नहीं, कल बंदर आए थे, बंदरों ने सारे खा दिए, थोड़ा थोड़ा ही रह गए यार। कोई नहीं, ऐसे काम चला लेंगे, यही है, इतने में ही कर लेंगे। अब मैं हो गई रेडी पेड़ में जाने के लिए, दुपट्टा बांध दिया मैंने, एक्चुअली बाल खींच जाते हैं ना पेड़ पे, तो मैंने सोचा दुपट्टा बांध लेती, उसके बाद फटाफट तोड़ के अब आती हूँ मैं, तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में काफल तोड़ने के बाद। अच्छा बड़ा था खाऊं, तो जल्दी जानी यार लोग वहाँ आ गई हूँ। अभी हमारे मेहमानों के आने की खाने की तैयारी हो रही है, मैंने अभी तक नहाया नहीं, हालत खराब हो गई, काम ही काम करने में है, जिसकी सगाई है वो खुद काम कर रही है। मैंने तो अपने हाथ का काम कर दिया है, अब ताई जी को संभाल दिया सारा कार्यभार। कितना लो हाल खराब, कमर दर्द होगी बैठे बैठे काम करते करते। अब ताई जी लग गई है काम करने में। सो हेलो गाइस, हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं, वैसे 10:30 हो गया है, जीजू लोग आने वाले होंगे अब, उन्होंने बोला था 11 बजे तक आ जाएंगे, सारा काम निपटा के खाने वाने का, सब्जी सब्जी काट के सब कुछ, अभी हम तैयार हो गए। हमने नीचे भी यहाँ मेहमानों के आने का तैयारी कर दी है, नीचे सारा बिछा दिया है, और फिर अभी कॉल आया था कि पहुँच जाएंगे करके, फिर देखते हैं। और आज तो मेरी दीदी का टीका है, तो ससुराल वाले आ रहे हैं, उसके बहुत लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं आई थिंक, तो उनके लिए थोड़ा तैयारी करनी थी। चाची लोग भी आ गए नीचे, सब लोग इकट्ठा हो गए, मैं अभी नहा, बहुत देर में नहाया, तो अभी अब जाके मैं काम से फ्री हुई हूँ। सब लोग नीचे आ गए, दिखाती हूँ अभी चाची लोगों से भी, चाची चाचा लोग आ गए। अब मम्मी भी रेडी हो गई है, मम्मी को हमारी दुल्हनिया तैयार कर रही है। ए दुल्हनिया, अभी जीजू लोग पहुंचने वाले हैं, मम्मी कब पहुंच गई हो? पहुंचने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफी दूर से आ रहे हैं, भिक्या शहर से आई थिंक 4 घंटे लगते हैं, तो हमने अभी खाना वाना बनाने का तैयारी कर ली है, खाने आने की सब कुछ। हमारे यहाँ पे ये रिवाज है कि जब कुछ होता है शुभ काम तो हम लोग ग्लास रखते हैं, हमने 5 ग्लास रखे हैं सीढ़ियों पे, ऐसे 1 2
3 4 अरे 5। ये हमने ग्लासेस ले रखे हैं, मेहमान आते हैं जो शादी के दिन भी रखते हैं। कोई नहीं, अभी मेहमान आने वाले हैं, बस थोड़ा टाइम और। तैयारी हो चुकी है सारी, उसके बाद काम शुरू। जी जी, लोगों के इंतजार में सब लोग यहाँ बैठे हैं कब से, 10 बजे से और बज गए। चाची भी आ गई, मम्मी लोग भी बैठे हैं। सब बेलर पर तो नो आया हो, एनर पट्टे में भैरी सब। सब बैठे हैं दूल्हे के इंतजार में। सुनो, आज कौन आने वाले हैं? कौन आने वाले हैं? कौन आने वाले हैं? कौन आ रहा है आज? किसका वेट कर रहे हो? खिचड़ी देंगे ना,